क्या देखेंगे आज हम लोग? गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त काल, गुप्तों के पतन के बाद, गुप्तों के विघटन के बाद भारत में छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय, छोटे छोटे राज्यों का, कोई भी बड़ा राज्य नहीं था, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, जैसे ये क्या है भारत, ये पूरा गुप्त साम्राज्य था, ये पूरा क्या था। तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य का विघटन होगा भारत में छोटे छोटे राज्य आ जाएंगे, जैसे हरियाणा में आ जाएंगे तुम्हारे पुष्यभूति वंश, क्या आ जाएंगे 550 ईस्वी में, जैसे ही गुप्त साम्राज्य का विघटन होगा भारत में फिर से विकेंद्रीकरण हो जाएगा। विकेंद्रीकरण मतलब छोटे छोटे राज्य आ जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे हरियाणा के थानेश्वर में आ जाएंगे पुष्यभूति वंश, उत्तर प्रदेश में कन्नौज है वहां जाएगा मौखरी वंश, बंगाल में गौर वंश, शासक शशांक, बल्लभी में मैत्रक वंश, मालवा में देवगुप्त, मतलब कुछ छोटे छोटे राज्य फिर आ जाएंगे। गुप्त जो बड़े इतने राज्य नहीं होंगे, इसलिए हम लोग उसका स्पेशल नाम नहीं देंगे। क्या नाम दे देंगे? गुप्तोत्तर 550 ईस्वी के बाद वाला, मतलब छठी शताब्दी के उत्तरार्ध, सातवीं शताब्दी, आठवीं शताब्दी तक को हम लोग क्या सा बोल देते हैं, गुप्तोत्तर, मतलब गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद वाला काल। तो गुप्त साम्राज्य के विघटन जैसे ही होगा उसी के अवशेष पर कुछ नए नए राज्य आ जाएंगे, जैसे हरियाणा के थानेश्वर, हरियाणा के थानेश्वर में जगह है एक, वहां पे कौन सा वंश आएगा, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, क्या आएगा पुष्यभूति वंश या, ये पर है कन्नौज, ये क्या है कन्नौज उत्तर प्रदेश में, अभी भी कन्नौज नाम का जिला है, कन्नौज में आ जाएगा मौखरी वंश, क्या जाएगा मौखरी वंश, इसका शासक होगा ग्रह वर्मा, बंगाल में एक जगह है गौर, क्या जगह है वहां पर आ जाएगा गौर वंश, इसका शासक होगा शशांक, बल्लभी यहां पर, वहां पर आ जाएगा मैत्रक वंश, मालवा में आ जाएंगे गुप्त, ये तुम्हारा देवगुप्त शासक, और मगध में भी रहेंगे परवर्ती गुप्त, मगध में कौन रहेंगे बाद वाले कमजोर शासक, इसमें सबसे फेमस होगा तुमको पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसमें बहुत भारत का महान शासक आएगा हर्ष वर्धन। तो तुमको मेन इस गुप्तोत्तर काल में किसको पढ़ना है, हर्षवर्धन को। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? और कहानी कुछ ऐसा है, देखो ना, समझना पहले बेसिक बात, पुष्यभूति वंश क्या है, पुष्यभूति वंश, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वर्धन वंश। तो हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति नाम का एक व्यक्ति पुष्यभूति वंश की स्थापना करता है। राजधानी कहां होगी, थानेश्वर, राजधानी कहां होगी, हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा में। तो पूछिए कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति, क्या नाम था उसका, पुष्यभूति, पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना, लेकिन यह पूरी स्वतंत्र नहीं है, अभी सामंत जैसा स्थिति है। इस वंश की राजधानी कहां होगी, थानेश्वर। इस वंश में पहला शासक होगा जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा, उसका नाम होगा प्रभाकर वर्धन। पहला शासक कौन होगा, मैं सब लिखाऊंगा, प्रभाकर वर्धन। यह इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता होगा, मतलब जैसे यह शासक हो जाएगा यह सॉवरेंट हो जाएगा, यह वंश क्या हो जाएगा, सॉवरेंट, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब अब यह किसी के अंदर में नहीं है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होंगे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री होगी राज्यश्री, क्या नाम होगा, राज्यश्री। इस राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ होगा। कहानी अच्छा सुनना, कहानी में ही पूरा पता चल जाएगा। इस राज्यश्री का विवाह किसके साथ होगा, कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ। इस ग्रह वर्मा, क्या नाम है इसका, ग्रह वर्मा की शत्रुता रहती है तुम्हारा मालवा के शासक रहता है देवगुप्त के साथ, किसके साथ, देवगुप्त के साथ। तो देवगुप्त ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है, देवगुप्त किसकी हत्या कर देता है,
तो अपनी बहन राजश्री की सहायता के लिए राजवर्धन कहां आता है? कन्नौज, और बदला लेके देवगुप्त की हत्या कर देता है। देवगुप्त का दोस्त रहता है, तुम्हारा मित्र रहता है गौर शासक शशांक। गौर शासक इसका मित्र रहता है, ये शशांक कट्टर सैब है। ये किसका उपासक है? शिव का उपासक कट्टर सैब, और बौद्धों का बहुत बड़ा शत्रु। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, उस बोधि वृक्ष को इसने कटवा के गंगा में फिकवा दिया था। ये सारी समस्याओं का जड़ ये बोधि वृक्ष है। वो कट्टर सैब था, शशांक क्या था? कट्टर, शिव का उपासक था वो। कहा जाता है कि उस बोधि वृक्ष को उसने कटवाया, कहां फिकवा दिया? गंगा में। तो ये शशांक किसका मित्र था? देवगुप्त का। तो देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए शशांक राजवर्धन की हत्या कर देता है, राजवर्धन की। तो अब थानेश्वर में बचा कौन? हर्षवर्धन। और ये ईसवी सन है 606। कौन सा ईसवी सन है? 606। ये समय हर्षवर्धन की उम्र रहती है मात्र 16 वर्ष। तो इसी 16 वर्ष में 606 में वो थानेश्वरी गद्दी पे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं, ठीक ना? सबको समझ में आई ना? हाँ, कारागार में डाल देता है, फिर वो बहन उसकी बौद्ध भिक्षु बन में जंगल में चली जाती है। हाँ, तो फिर जंगल से लाया जाता है, लेकिन ये बस कहानी है, लाने की जरूरत। हाँ, वो कहानी है पूरा। हाँ, वो कारागार में डाल देता है, फिर वो बौद्ध भिक्षु बन जंगल में चली जाती है, फिर हर्षवर्धन आके जंगल से खोज के उसको लाता है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो बस कहानी है। तुमको क्वेश्चन नहीं से आएंगे कि गुप्तोत्तर काल में, जैसे ही गुप्तों का विघटन होगा, गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे राजा आएंगे। थानेश्वर में कौन आएंगे? पुष्पभूति वंश। कन्नौज में कौन आएगा? मौखरी वंश। गौर में कौन आएगा? बंगाल के गौर में गौर वंश शशांक। मैत्रक आएगा बल्लवी में। पर्वती गुप्त में भी कमजोर शासक रहेंगे, महासेन गुप्त ये सब। मालवा में आ जाएगा देवगुप्त। सबसे ज्यादा मजबूत कौन रहेगा? पुष्पभूषी वंश। और इसका और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी जब शासक कौन बनेगा? हर्षवर्धन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो अब हेडिंग दो, पुष्पभूति वंश। हेडिंग क्या है हमारा? पुष्यभूति, या इसी का दूसरा नाम क्या है? वर्धन वंश। तो लिखो, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? पुष्यभूति को। पुष्य, इसकी राजधानी कहां थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहां पर है? हरियाणा। पुष्यभूति के बाद शासक बनता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन को इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। प्रभाकर वर्धन को इस वंश की, इस वंश मतलब पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। इसके दो पुत्र हैं, क्या नाम है? राज्यवर्धन, और दूसरा पुत्र हर्ष वर्धन, और एक पुत्री है, उसका नाम क्या है? राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ होता है। ग्रह वर्मा की शत्रुता मालवा शासक देवगुप्त के साथ होती है, और देवगुप्त ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। राज्यवर्धन अपनी बहन की सहायता के लिए कन्नौज आता है और देवगुप्त की हत्या कर देता है। देवगुप्त का मित्र बंगाल का गौर शासक शशांक अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब परिस्थिति क्या हो गई? अब थानेश्वर में कौन बचा? हर्षवर्धन। इन्हीं परिस्थितियों में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वरी गद्दी पे
बैठता है। हर्षवर्धन अपनी बहन की सहायता के लिए कन्नौज आता है और उस पर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हर्षवर्धन का साम्राज्य, मतलब गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में जो एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, डिसेंट्रलाइजेशन, छोटे छोटे राज्य, वह विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया हर्ष के गद्दी पर बैठने के साथ ही रुक जाएगी और हर्ष फिर से भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेगा। इस दौरान उसका संघर्ष उस समय के एक महत्वपूर्ण चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ होगा नर्मदा नदी के तट पर। यद्यपि इस युद्ध में हर्ष की पराजय हो जाएगी, लेकिन फिर आगे दोनों में समझौता हो जाएगा और नर्मदा नदी से उत्तर का क्षेत्र हर्ष का साम्राज्य और दक्षिण पुलकेशिन द्वितीय का। फिर आगे देखेंगे हर्ष में हम लोग, इसी के समय एक प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आएगा, उसकी एक महत्वपूर्ण किताब है शी यू की, वो भी हम लोग देखेंगे, वो इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण किताब है, भारत के बारे में अच्छी जानकारी देता है, बौद्ध धर्म संबंधित भी है और हर्ष और बौद्ध धर्म के भी संबंध को भी दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या देखेंगे कि पिछले 1000 साल से भारतीय राजनीति के केंद्र में था पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र के दिन लद जाएंगे, उसके पराभव के दिन आ जाएंगे और भारतीय राजनीति के नव मंडल में कन्नौज के रूप में एक नया सितारा चमकेगा। कन्नौज का महत्व इतना बढ़ जाएगा कि आगे चल के पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार कन्नौज पे कब्जा के लिए संघर्ष करेंगे, जिसे हम लोग पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन का साम्राज्य।